हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप और प्रदूषण को देखते हुए अंबाला के गोविंदपुरी शमशान घाट में पिछले वर्ष दाह संस्कार के लिए एलपीजी संचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगवाई थी, लेकिन आज तक इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एक भी दाह संस्कार नहीं हो पाया। शमशान घाट का संचालन करने वाली खत्री सभा द्वारा जागरूक करने के बावजूद भी लोग धार्मिक आस्था और पुरानी परंपरा के चलते एलपीजी मशीन में दाह संस्कार करवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गोविंदपुरी शमशान घाट का संचालन करने वाली खत्री सभा के सदस्य ने बताया कि दाह संस्कार के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन पिछले वर्ष लगाई गई थी, लेकिन आज तक इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एक भी दाह संस्कार नहीं हो पाया, क्योंकि लोग अपने धर्म के प्रति आस्था और पुरानी परंपरा के कारण इसमें दाह संस्कार के लिए तैयार नहीं होते। हमारी सभा दाह संस्कार करने आए लोगों को इसके लिए काफी प्रेरित करती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में संस्कार करने में एक तो खर्चा कम आता है और दूसरा प्रदूषण नहीं होता। बढ़ता प्रदूषण देश और दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। भारत के बड़े शहरों में दाह संस्कार इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा ही होने लगा है, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। ये मशीन सर नवंबर में लगी थी पिछले साल, अब लगे हुए इसको 4-1 महीने हो चुके हैं। 29 नवंबर को शहर के विधायक श्री असीम गोयल जी आए थे, उस समय मुहूर्त कर गए थे इस मशीन का अंबाला शहर में। संस्कार के लिए और जैसे लोग आते हैं उनकी आस्था जो होती है लकड़ियों में जुड़ी होती है, तो लकड़ियों में ही वो कहते हैं जो पुराने बुजुर्ग करते आ रहे हैं बुजुर्गों के हिसाब से लकड़ियों में ही आस्था है सबकी, तो इसलिए इसमें कोई अभी तक संस्कार हुआ नहीं है, कोई यहाँ पर करता नहीं है आकर के। जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वो लकड़ियों से ही है, वो कहते हैं लकड़ियों में संस्कार करना है। फ़ायदा सर इससे ये है कि इसमें एक तो पोल्यूशन की होता है, पोल्यूशन नहीं होता इसमें लकड़ियों में, जैसे पोल्यूशन ऐसे बड़े बड़े शहरों में और मशीनें लगी हुई हैं वो इसीलिए कि इसमें पोल्यूशन नहीं होता। और दूसरा फ़ायदा जैसे लकड़ी में खर्चा ज़्यादा आता है पे करने में, तो इसमें वो कम है। इसके लिए क्या खर्चा तय किया गया है? इसके लिए सर लगभग 2000 रुपये के आसपास खर्चा आता है लकड़ियों के अपना मशीन में, और लकड़ियों में 250-250 रुपये आता है। सभा सर हमारे जैसे यहाँ पर संस्था बनी हुई है, संस्था के हिसाब से लोगों को कहा जाता है कि मशीन बिजली की लगी हुई है कि आप उसमें संस्कार करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से है। अब तो यहाँ पर जो मैनेजर हैं और हैं सब लोगों को प्रेरित करते हैं इस चीज़ के लिए, बट लोगों की वही आस्था है कि लकड़ियों में जैसे पुराने बुजुर्ग करते आए हैं वैसे ही करना है। क्या फील करना चाहेंगे? फील तो यही करना चाहेंगे सर कि जैसे जैसे अब पोल्यूशन बढ़ रहा है या और चीज़ हो रही है, अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ करी है तो उसका उपयोग किया जाए, आने वाली जनरेशन तो चेंज आएगा, अब इसमें संस्कार होगा पोल्यूशन भी कम होगा, तो यही है सर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।